मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन, जब व्यवसायी अपने व्यवसाय को बेचना चाहता है तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वो ख्याति का मूल्य भी अन्य संपत्तियों की भांति वसूल करना चाहता है क्रेता से। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए लाभों को आधार बनाया जाता है, और ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं। पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। अगर यही व्यवसाय नए, जो व्यवसाय चल रहा है, जो पुराना व्यवसाय है, वो व्यवसाय अगर नए व्यवसाय द्वारा खरीद लिया जाए तो उसके द्वारा भविष्य में कितने लाभ कमाए जाएंगे, प्रत्याशित क्या लाभ होंगे, उन लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है। और दूसरा, अधिलाभों के आधार पर। अधिलाभ यानी कि कहने का मतलब कि बाजार में जो सामान्य लाभार्जन दर है, अगर कोई भी नया व्यवसाय शुरू करता है तो सामान्य जो लाभार्जन दर है उससे वो अपनी विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ कमा लेगा। लेकिन ख्याति की वजह से, पुराने व्यवसाय की ख्याति की वजह से कितने अधिक लाभ कमाएगा, सामान्य लाभ से जो लाभ अधिक कमाया जाएगा वो अधिलाभ कहलाता है। और अधिलाभों के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी अधिलाभ जो हो रहे हैं पुराने व्यवसायी को, वो ख्याति की वजह से हो रहे हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के आधार पर किया जाएगा। तो दो आधार अपनाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अधिलाभों के। अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट्स। तो ख्याति के मूल्यांकन के दो आधार हैं। पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, और दूसरा अधिलाभ। भविष्य में कायम रहने वाले लाभ हम अब तक पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे अधिलाभों की, सुपर प्रॉफिट्स की। सुपर प्रॉफिट्स याद किए जाएंगे फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दिया जाए। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो बाजार में प्रचलित, जो सामान्य लाभार्जन दर है उससे कमाया गया लाभ, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स पुराने व्यवसायी द्वारा उसकी ख्याति की वजह से कमाया गया लाभ। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का जो नॉर्मल प्रॉफिट पे, सामान्य लाभों पे जो अधिक है, वो अधिलाभ सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। और सुपर प्रॉफिट के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं उसकी बात हम कर चुके हैं। अब हम आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात किए जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात किया जाता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। बाजार में प्रचलित जो सामान्य प्रत्यय की दर है, सामान्य लाभार्जन दर है, वो हमको ज्ञात करनी होगी। और फिर उस सामान्य प्रत्यय दर से जितनी पूंजी विनियोजित की जा रही है उस पूंजी पर जो है लाभ कमाया जाएगा। तो हम विनियोजित पूंजी, जो पूंजी विनियोग की गई है वर्ष के दौरान, उसका एवरेज लेंगे, औसत लेंगे। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो बाजार में जो सामान्य प्रत्यय की दर है प्रचलित, उससे गुणा कर दिया जाएगा। औसत विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का मतलब कि बाजार में, व्यवसाय में जो पूंजी विनियोजित की गई है, जो पूंजी व्यवसाय में लगाई गई है, और वर्ष भर में उसका जो पूंजी लगाई गई है उसका ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, उन दोनों का औसत ले लिया जाएगा। तो औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय की दर से जो है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ ज्ञात कर लिए जाएंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ज्ञात की जाएगी? कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्ष के अंत में कितनी पूंजी लगा रखी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे और फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे,
तो पूंजी ज्ञात कर रहे हैं कि कितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई गई है और ये पूंजी व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर ज्ञात की जाएगी। तो संपत्तियों में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम स्थायी संपत्तियां लेंगे, संपत्तियों का योग कर लिया जाएगा और उसमें से दायित्वों का योग घटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्थायी संपत्तियां हैं उनको लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और स्थायी संपत्तियों को हम लेंगे एट रियलाइजेबल वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू पर। जो भी स्थायी संपत्तियां हैं व्यवसाय में, जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं उनको हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करेंगे तो उनको हम रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू पढ़ लेंगे, वसूली योग्य मूल्य पढ़ लेंगे। और अगर क्वेश्चन में वसूली योग्य मूल्य नहीं दिया गया है तो उनको अपलिखित मूल्य पर लिया जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं कि कितनी पूंजी विनियोजित की गई, इसके लिए हम क्या करते हैं कि संपत्तियों के योग में से दायित्वों का जो बाह्य दायित्व है उनका योग घटा दिया जाता है, तो जो राशि प्राप्त होती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स हम लेंगे बाजार मूल्य पर, या फिर अगर बाजार मूल्य नहीं दिया गया है तो वसूली मूल्य पर, रिटर्न डाउन अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। फिक्स्ड एसेट्स के बाद हम लेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, बैंक डेटर्स, बैंक बीआर बिल्स रिसीवेबल, ये सारे शामिल होते हैं। तो करंट एसेट्स और करंट एसेट्स लेंगे आफ्टर प्रोविजंस। अगर किसी प्रकार का कोई आयोजन किया गया है, जैसे मान लीजिए डेटर्स करंट एसेट्स हैं लेकिन डेटर्स पर अगर कोई प्रोविजन किया गया है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए, तो वो घटाने के बाद हम डेटर्स को शामिल करेंगे करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स आफ्टर प्रोविजंस आयोजन के बाद, आयोजन घटाने के बाद की चालू संपत्तियां हम लेंगे। तो संपत्ति की साइड पहले संपत्तियों का योग कर रहे हैं, तो संपत्तियों में पहले स्थायी संपत्तियां लेंगे, फिर हम चालू संपत्तियां लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई विनियोग है, किसी प्रकार का कोई विनियोग किया गया है तो विनियोग को भी लेंगे, लेकिन विनियोग केवल व्यापारिक विनियोग लेंगे, गैर व्यापारिक विनियोग नहीं लेंगे। अगर कोई व्यवसायी है और व्यवसायी ने अगर कहीं किसी अन्य कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों में कोई विनियोग कर रखा है, अगर व्यवसायी ने कहीं बैंक में कोई स्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, तो इस प्रकार का विनियोग जो है गैर व्यापारिक विनियोग कहलाता है। तो गैर व्यापारिक विनियोग हम कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि गैर व्यापारिक विनियोग का मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा है ये कहीं अन्य कहीं दूसरी जगह लगाया गया है, ना कि व्यापार में, और हम जो लाभ कमा रहे हैं वो व्यापार में लगाए गए पैसे पर कमाया जा रहा है। तो गैर व्यापारिक विनियोग नहीं लेंगे, केवल व्यापारिक विनियोग ही शामिल करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय। तो जो व्यापारिक विनियोग हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो लिए जाएंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। चौथा, अब अगर कोई अदृश्य संपत्तियां हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कोई राइट्स है, तो इस प्रकार की संपत्तियां जो है वो ली जाएंगी, इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स का अगर वसूली मूल्य दिया गया हो, बाजार मूल्य दिया गया हो, तभी इनको शामिल की करनी है। अगर इनका पुस्तक मूल्य है, अगर पुस्तक मूल्य दिया गया है इंटेंजिबल एसेट्स का, अदृश्य संपत्तियों का, तो उनको फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में बाजार मूल्य, वसूली मूल्य दिया गया है, तभी हमको अदृश्य संपत्तियों को कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय शामिल करना है। एट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल भी अदृश्य संपत्ति है, लेकिन गुडविल का मूल्यांकन कर रहे हैं हम, गुडविल की वैल्यू ज्ञात, वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जब गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उस, जब गुडविल की वैल्यूएशन की जा रही है, तो गुडविल की वैल्यूएशन करते समय हम गुडविल को संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे। अगर गुडविल की वैल्यू दी गई है संपत्तियों में, तो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल को शामिल नहीं करेंगे। गुडविल के अलावा जो भी अदृश्य संपत्तियां हैं उनको हम वसूली मूल्य पर ही लेंगे, केवल वसूली मूल्य पर ही लेना है। अगर पुस्तक मूल्य दिया गया हो तो इंटेंजिबल एसेट्स को शामिल नहीं करना।
और जो कृत्रिम संपत्तियां हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करते। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हुआ कि जो बड़े ऐसे बड़े खर्चे जिनको एक साथ अप्लीकृत नहीं किया गया था, उनको हम कृत्रिम संपत्तियां मान लेते हैं। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडरराइटिंग कमीशन, इस प्रकार के कुछ जो खर्चे होते हैं जिनको हम एक साथ अप्लीकृत नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको संपत्तियों की साइड में दिखा देते हैं। कृत्रिम संपत्तियां मानी जाती हैं ये, तो इनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय शामिल नहीं करते। तो इन सब का टोटल कर लिया जाएगा और इनके टोटल में से फिर जो है आउटसाइड लाइबिलिटीज घटा दी जाएगी। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में पहला है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो इनमें जैसे बैंक से कोई ऋण लिया गया हो, किसी वित्तीय संस्था से कोई ऋण लिया गया है, ऋण पत्र भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। डिबेंचर्स, इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एक प्रकार से ऋण है, दीर्घकालीन ऋण है, तो डिबेंचर्स को भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शामिल किया जाएगा। दूसरा करंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्व। चालू दायित्वों में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये सारे करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड को भी लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इनको करंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्व माना जाता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय प्रपोज्ड डिविडेंड को नहीं घटाया जाता, क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड स्वामियों का ही, मतलब जो मालिक हैं उनका ही पैसा है, पूंजी है, इसलिए प्रपोज्ड डिविडेंड को कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय नहीं घटाया जाता। ये प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स पे हो सकता है, और अगर डिविडेंड पे कोई टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो उसको भी प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर है। जब डिविडेंड लाभांश का वितरण किया जाता है तो सरकार को एक लाभांश वितरण कर चुकाया जाता है, तो उसके लिए भी आयोजन किया हुआ हो सकता है पुस्तकों में। तो प्रपोज डिविडेंड या फिर जो प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर दिया गया हो तो उनको करंट लाइबिलिटीज नहीं माना जाता और कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय नहीं घटाया जाता। तो ये एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड डिविडेंड एंड टैक्स देयर ऑन, उस पर जो टैक्स लगा है उसको हम नहीं घटाएंगे। करंट लाइबिलिटीज के बाद फंड फॉर फ्यूचर लाइबिलिटीज। तो कुछ फंड्स जैसे ग्रेच्युटी फंड्स या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये फंड बनाए जाते हैं और इनको जो है लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई फंड दिखाया गया है लाइबिलिटी साइड में, कोई फंड, कोई कोष का निर्माण किया गया है भविष्य के दायित्वों के लिए, तो उनको भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय घटा देते हैं। इन सब का टोटल करके और जो संपत्तियों का टोटल है उसमें से घटा दिया जाएगा और जो राशि प्राप्त होगी, जो अमाउंट आएगा, वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। क्योंकि वर्ष के अंत में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कर ली जाएगी और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करने के बाद में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात कर ली जाएगी। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए ओपनिंग
कैपिटल एम्प्लॉयड, जो वर्ष के प्रारंभ में जो विनियोजित पूंजी है, प्रारंभिक विनियोजित पूंजी, प्रारंभिक विनियोजित पूंजी प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अंतिम विनियोजित पूंजी, इन दोनों में दो का भाग लगा दिया जाएगा, इनका औसत ज्ञात कर लिया जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना किस प्रकार से की जाती है हमने अभी देखा। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम ज्ञात कर लेंगे और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो इन दोनों का टोटल करके हम दो का भाग लगाकर औसत विनियोजित पूंजी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात करने के लिए हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ज्ञात करने होंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ज्ञात किए जाते हैं, उसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात किए जाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाती है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात की जाती है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करनी होगी और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दी हुई होगी। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल करके दो का भाग लगा के औसत विनियोजित पूंजी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी ज्ञात हो जाएगी। कई बार ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया हुआ होता, तो अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे लाभों के आधार पर। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई हो तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम घटा देंगे जो चालू लाभ हैं, जो चालू वर्ष के जो लाभ हैं आफ्टर टैक्स, जो कर के बाद के जो चालू वर्ष के लाभ हैं उनका आधा हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटा देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाएगी। तो अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई है तो हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम घटा देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाएगी। अगर केवल ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई हो, अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं हो, केवल ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई हो, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ दी करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जोड़ देंगे। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया हो तो जो चालू वर्ष के लाभ हैं, कर के बाद के जो लाभ हैं उनका आधा हम घटा देंगे, और अगर केवल ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया हो तो चालू वर्ष के जो कर के बाद के लाभ हैं उसका आधा हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ देंगे, जिससे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाएगी। तो किस प्रकार से औसत विनियोजित पूंजी की गणना की जाती है उसकी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे ज्ञात की जाती है। जो ये जो चालू वर्ष के लाभ का जो कर के बाद का लाभ है उसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी प्रकार के खर्चे घटा दिए जाएंगे, प्रोविजंस घटा दिए जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स घटा दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ये घटा दिए जाएंगे, और
जो चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों में जो वृद्धि और कमी हुई है उसका समायोजन किया जाएगा। अगर चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है तो इसका मतलब यह होता है कि लाभों में वृद्धि हुई है, और चालू संपत्तियों में कमी होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि लाभों में कमी हुई है। तो चालू दायित्वों चालू संपत्तियों में अगर वृद्धि हुई है तो इसको लाभों में जोड़ दिया जाएगा, और चालू दायित्वों में अगर कमी हुई है तो कमी की राशि से लाभों को कम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार चालू दायित्वों में वृद्धि होने से लाभों में कमी होती है, और चालू दायित्वों में कमी होने से लाभों में वृद्धि होती है। तो अगर चालू दायित्वों में वृद्धि हुई है इसका मतलब लाभों में कमी हुई है, तो चालू दायित्वों में जितनी वृद्धि हुई है उससे लाभ कम कर दिए जाएंगे, और चालू दायित्वों में जितनी कमी हुई है उससे लाभों को बढ़ा दिया जाएगा। जितनी चालू दायित्वों में कमी हुई है वो लाभों में जोड़ दी जाएगी। तो इस प्रकार से चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों में जो वृद्धि और कमी हुई है उसका भी जो है चालू वर्ष के लाभों में समायोजन किया जाएगा। इस प्रकार से फिर जो है चालू वर्ष के कर के बाद के लाभ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्ञात किए जाते हैं, और उसका आधा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटा दिया जाता है तो औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाती है, और चालू वर्ष के जो लाभ हैं उसका आधा अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्रारंभिक विनियोजित पूंजी में अगर जोड़ दिया जाता है तो भी औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमको औसत विनियोजित पूंजी चाहिए। तो औसत विनियोजित पूंजी की गणना किस प्रकार से की जाती है ये हम इसकी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बाजार में प्रचलित सामान्य लाभार्जन दर है, यानी कि इतने लाभ की आशा, इतने जो रिटर्न की आशा तो कोई नया व्यवसायी करेगा ही। अगर इसी प्रकार का कोई, जिस प्रकार के व्यवसाय की बात की जा रही है उस प्रकार का अगर कोई नया व्यवसाय खोला जाता है तो कम से कम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की वो आशा तो करेगा ही कि इतना नॉर्मल जो है प्रॉफिट वो कमा लेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है शुद्ध प्रत्यय का मतलब हुआ जोखिम रहित प्रत्यय या लाभ आय, जोखिम रहित आय। यानी कि अगर पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो, जैसे बैंक में स्थायी जमा एफडी करवाई जाए तो जोखिम रहित प्रत्यय, लेकिन बाजार में पैसा लगाया जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ जोखिम तो होगा ही। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर हम व्यवसाय की बात की जाए तो क्या होगा? शुद्ध प्रत्यय यानी कि जोखिम रहित प्रत्यय प्लस जोखिम प्रत्यय। तो शुद्ध प्रत्यय और जोखिम प्रत्यय का योग ही जो है सामान्य प्रत्यय कहलाता है, नॉर्मल सामान्य प्रत्यय कहलाता है। यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुआ प्योर रेट यानी कि शुद्ध प्रत्यय प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर। क्योंकि बाजार में व्यवसाय में पैसा लगाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ रिस्क तो होगी, जोखिम तो होगी, इसलिए शुद्ध प्रत्यय प्लस जोखिम प्रत्यय का योग ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्यय की दर, ऐसी प्रत्यय की दर है जो एक व्यवसायी कमाना चाहेगा व्यवसाय से बाजार में, जो सामान्यतः कमाई जाती है व्यवसाय के द्वारा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई हो क्वेश्चन में तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम ज्ञात कर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर, अगर प्रति अंश लाभांश दिया गया हो, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया गया हो तो उसके आधार पर भी हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर लेते हैं। तो जो लाभांश है, जो मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य है प्रति अंश का, उस पर कितना लाभांश दिया जाता है उसके आधार पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर लेंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर ली, या फिर क्वेश्चन में दी गई होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसकी बात हम कर चुके हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो राशि आएगी वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से घटा दिया जाएगा तो सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात हो जाएंगे। अब सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर तीन विधियों से, वर्षों की क्रय विधि, दूसरी पूंजीकरण विधि
और तीसरा वार्षिक वृत्ति विधि। तो सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर जो ख्याति के मूल्यांकन की तीन विधियां हैं, वर्षों की क्रय विधि, पूंजीकरण विधि और तीसरी वार्षिक विधि, इन तीनों विधियों के माध्यम से ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है इन तीनों विधियों से, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के आधार पर और अधिलाभों के आधार पर, इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आगे की क्लासों में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।